पाकिस्तानी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कप्तान बाबर आजम और फास्ट बोलर शाहिशाहफरीदी के दरमियान अख्तिलाफात की, की तरदीद करते हुए कहना है की सबक कप्तान वसीम अक्रम का दोनों खिलाड़ियों के आपस में बात न करने का दावा गलत है भारत ऐसी शिक्षक के बाद ये तासर पाया जा रहा था की पाकिस्तानी स्कॉट दो धड़ों में तकसीम है एक की क्यादत कप्तान बाबर आजम और दूसरे की शाहिन शाहफरीदी कर रहे हैं सबक कप्तान वसीम अक्रम ने एक वीडियो में बात करते हुए ये इंकशाफ किया था की बाबर आजम और शाहन शाहफरीदी एक दूसरे ऐसी बात नहीं करते अजहर ने इस ता की नफी करते हुए कहा की वसीम ने कहा होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम मैंने नहीं देखा उन्होंने कहा की शाहीन और बाबर यकीनी तौर आरोप बात कर रहे हैं वो अच्छे दोस्त है ये दोनों पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है हम किसी की वजह ऐसी नहीं हारे ये हमारी गलती भी है ख्याल रहे की भारत के खिलाफ मैच बाबर एंड कंपनी के लिए मेगा इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त थी ये पूछे जाने आरोप की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मीडिया का सामना करने के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंसिस के लिए क्यूँ नहीं आ रहे अजहर महमूद ने कहा की जहाँ तक हालिया वर्ल्ड कप में टीम की शिकस्तों आरोप जवाब दे होने की बात है तो सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेदारी भी बराबर है उनका कहना था की कि हम किसी खिलाड़ी को नहीं छुपा रहे हैं। हर कोई यहाँ है सब कुछ यहाँ है कोच का मजीद कहना था की मैंने पहले कहा था की हम एक टीम है जाहिर है हम यहाँ बैठे है और ये हमारी जिम्मेदारी है की हम डिलीवर नहीं कर रहे इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कल कोच गैरी क्रिस्टन यहाँ बैठे थे